हेलो फ्रेंड, टेक्निकल कीडवेंचर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि विंडोज इंस्टॉल के बाद गूगल क्रोम इंस्टॉल नहीं हो रहा है और एरर आ रहा है, विंडोज हैज फाउंड अ प्रॉब्लम विद दिस फाइल। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर पर न्यू ये विंडो इंस्टॉल हुई है और इस पे हम गूगल क्रोम सर्च करेंगे, क्योंकि हमें गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है। और तो सर्च पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड। और डाउनलोड क्रोम मैन्युअली रन, तो ये इस तरीके से एरर आ रहा है, विंडोज हैज फाउंड प्रॉब्लम करके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए दोस्तों ये हमने इसको डाउनलोड कर लिया है गूगल क्रोम। ये आपको सेटअप लिंक पर मिल जाएगा। बहुत ही इजी आसान तरीके से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये डाउनलोडिंग चल रहा है। ये देखो कंप्लीटली गूगल क्रोम इंस्टॉल हो गया है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो थैंक यू। जय हिंद।